नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में। दोस्तों, 9 दिन 9 व्यंजन श्रृंखला की छठी कड़ी में आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक और फलाहारी रेसिपी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की फलाहारी रेसिपी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आलू टमाटर की व्रत वाली सब्जी। ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। इस नवरात्रि इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आलू टमाटर की सब्जी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम किया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा व्रत वाला तेल। इसके बाद हम ये उबले हुए आलू जो कि चौकोर पीसेस में कटे हुए हैं, इनको तेल में डालकर फ्राई करेंगे। ये आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको तेल से बाहर निकाल लेते हैं। सारे आलू बाहर निकालने के बाद अब हम तेल में थोड़े से साबुत गरम मसाला डालेंगे। इसमें हमने 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग लिया है। इसके अलावा मैंने इसमें 3 लाल मिर्च डाला है। इसको सौटे करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। तो अब इसको भी हल्का सा सौटे कर देते हैं और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 काजू। ये काजू डालकर हम 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो अब हम इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा व्रत वाला तेल ले लेते हैं और इसमें जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, जो स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे पिसा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। और अगर आप हल्दी खाते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने हल्दी का प्रयोग किया है। और अब ये सारी चीजें डालकर हम मसाले को पकाएंगे। तो हमें मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि इसके किनारों से तेल सेपरेट ना होने लगे। तो ये देखिए मसाले एकदम पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा क्रीम मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है और इसको मसाले में डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू। तीस 40 सेकंड तक हम आलू को मसालों के साथ पकाएंगे और अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 कप पानी। तो पानी डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से चला लेंगे और धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम सब्जी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी एकदम तैयार हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम सब्जी में थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। इसे एक बार मिला लेते हैं। अब ये सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए इसको सर्व करते हैं। अब हम सब्जी को सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा क्रीम। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आलू टमाटर की फलाहारी सब्जी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। 9 दिन 9 व्यंजन श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।